दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम BPSC के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें मेंस में आने वाले संभावित मतलब कि पॉसिबल टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 29वीं BPSC मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में 70th मतलब कि 70वीं BPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हम ऐसी वीडियो BPSC से रिलेटेड, मेंस रिलेटेड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आगे भी लाते रहेंगे। तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजकल जो चल रहा है वो है बिहार रिजर्वेशन। तो बिहार रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बीपीएससी के मेंस में आने की बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि एक ऐतिहासिक ये मूव लिया गया है जिसमें कि बिहार ने 75% रिजर्वेशन दे दिया है अपने लोगों को। अब देखिए, अब बिहार रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप से बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इन बिहार इस 75% रिजर्वेशन इज़ गुड और बैड, इफ़ यस देन वाई। इसका मतलब ये पूछ सकते हैं कि बिहार में जो 75% रिजर्वेशन दिया है वो अच्छा है या बुरा है, अगर हाँ तो क्यों, वो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा ऐसा बन सकता है कि इस बिहार रिजर्वेशन बिल हैम्पर इट्स ओन डेवलपमेंट और गिव थ्रस्ट फॉर इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट डिस्कस, कि बिहार में जो 75% रिजर्वेशन है क्या वो उसके डेवलपमेंट को रोकेगा या फिर उसके डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, इस बारे में डिस्कस करिए। ये तो दो क्वेश्चन हैं, ऐसी इसी से इस टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बस दो क्वेश्चन के बारे में बताया है। अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको अटैम्प्ट करने के लायक होंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि बिहार रिजर्वेशन क्या है। ये देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही करी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं, हम कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे। तब बिहार गवर्नमेंट वाला कुछ नहीं होता, हम खुद करवा लेंगे। तो बिहार गवर्नमेंट ने खुद अपना सर्वे करवाया, कास्ट सर्वे करवाया, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करवाया था। अब एक मुद्दा हुआ था कि बिहार गवर्नमेंट में न्यूज़ में ये आ रहा था कि बिहार ने कास्ट सेंसस करवाया है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आने लग गया कि बिहार ने कास्ट सेंसस नहीं, बिहार ने कास्ट सर्वे करवाया। अरे ये क्या बात है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। ये बात है कि बिहार ने कास्ट सर्वे ही करवाया था, बिहार कास्ट सेंसस नहीं करवा सकता, क्योंकि जो सेंसस होता है वो 7th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में आने वाली जो चीज़ें होती हैं, मैटर्स होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवाती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए बिहार के कास्ट सेंसस का नाम चेंज करके उसको बिहार सर्वे बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बिहार, अब ठीक है, ये बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन के लिए लिमिट दे रखी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने बिल को पास करा है, उसमें रिजर्वेशन को, ठीक है, आरक्षण को 50% से 65% कर दिया, और 10% तो उसका पहले ही था। तो इन दोनों को मिला के, 65 और 10 को मिला के क्या हुआ, 75% रिजर्वेशन हो गया है। तो 10% था EBC का, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का, और जो बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, उन सब का 50% से हटा के 65% कर दिया है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों को मिला कितना हुआ, 75% हो गया। अब अगर हम थोड़ा आंकड़े इसमें देख लेते हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस थी उसमें पहले 18% रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन अब 25% दिया जा रहा है। बैकवर्ड क्लासेस में 12 से 18 कर दिया, शेड्यूल कास्ट में 20% कर दिया है, और शेड्यूल ट्राइब को 2% कर दिया है। तो इन सब का मिला के कितना हुआ, 65 प्लस 10, मतलब कि 75% रिजर्वेशन अब बिहार में दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इससे रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो वो हम जजमेंट देख लेते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मेंस में लिख कर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो पहला उसका जजमेंट है MR बालाजी केस 1962 का। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहली बार 50% के रिजर्वेशन की सीलिंग की बात लेकर आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए, MR बालाजी केस। सेकंड केस है इंदिरा साहनी केस 1992 का, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की जो लिमिट थी वो 50% कर दी। उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कोई स्टेट नहीं दे सकता, अगर वो देगा तो वो मान्य नहीं होगा। हाँ, अगर दे सकता है तो कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में वो दे सकता है। चलिए ये तो हमने समझे दो केस की जजमेंट के हिसाब से
MR बालाजी केस और इंदिरा सानी केस 50% की लिमिट बताते हैं रिजर्वेशन की। अब बिहार पहला राज्य नहीं है जिसने कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया है। उससे पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ये पहले ही सीलिंग को तोड़ चुके हैं, 50% की सीलिंग को तोड़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को मेंस में अगर आप लिख कर आते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब बात हुई तो हमने देख लिया कि बिहार पहला नहीं है, MR बालाजी केस देख लिया और इंदिरा सानी केस देख लिया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि 50% रिजर्वेशन जो है वो एक कानून नहीं है। ठीक है, कानून नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिमिट लगाई है। तो यहीं पे हमें लूपहोल मिल जाती है कि जब वो कानून है ही नहीं तो इसलिए राज्य इस लूपहोल को लेके 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अब वो लॉ तब होता अगर पार्लियामेंट इस पर एक्ट बनाता। ठीक है, एक्ट हमारा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इसलिए जो राज्य हैं इस सीलिंग को तोड़ सकते हैं। और रिजर्व ये जो जजमेंट था इंदिरा सानी केस का, वो खुद ये बोलता है कि एक्सेप्शनल केसेस में हम इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खुद बोलता है। तो यहाँ पे अगर स्टेट 50% की सीलिंग से ज़्यादा जाते हैं, इससे जाते हैं, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो इलीगल हो गया है, उसने ऐसा क्यों कर दिया। वहाँ पर यहाँ पे लूपहोल है और यहाँ पे स्पेस दे रखा है, तो इसलिए 50% की रिजर्वेशन से ज़्यादा स्टेट जाते हैं। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बात तो ही हमारा कि 50% का रिजर्वेशन से ज़्यादा गया, हमारी ये खबर थी। अब बिहार एक पहला स्टेट नहीं है, पहला राज्य नहीं है जिसने कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन करा है। यहाँ पे से पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया, राजस्थान, तेलंगाना, इस टाइप के स्टेट पहले भी रिजर्वेशन बढ़ा चुके हैं। तो उन्हीं केस के चलते कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना वो आर्टिकल 16 का हनन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 ये बोलता है कि आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑल द सिटीजन्स की इन द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रोजगार के मैटर में सभी, यहाँ पे और लिखा है, सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो। ठीक है, अब 75% रिजर्वेशन दे के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप आर्टिकल 16 का हनन कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 का हनन हो गया। दूसरा, यहाँ पे आर्टिकल 19 का हनन हो गया। आर्टिकल 19 का हनन कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी को आने ही नहीं दोगे तो उस इंसान का तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट घटेगा कि वो मूव ही नहीं करेगा। मैं कह रही हूँ मूव करूँ क्यों, जब मुझे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं तो मेरा जाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का हनन हुआ हो जाएगा और आर्टिकल 16 का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं, अगर 50% ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ता है तो। ये तो बात हुई नेगेटिव, ये नेगेटिव में बात हो गई कि अगर रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा है तो ये दो चीज़ें हमारी हनन हो रही हैं, आर्टिकल 16 और 19। चलिए ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन देने से जो नेगेटिव है वो कम है, लेकिन उससे हमें पॉजिटिव बातें बहुत मिलती हैं। जैसे कि अगर रिजर्वेशन जॉब में दिया जाता है तो ये अगेंस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और इंडियन यूनिटी का। कैसे नहीं है देखते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि आर्टिकल 16 भी हमने देखा कि वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, सभी सिटीजन्स को, और रिजर्वेशन अगर हम 50% से ज़्यादा कर देते हैं तो वो अगेंस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 16 ये भी बोलता है, उसका दूसरा पहलू अगर हम देखें, आर्टिकल 16 डज नॉट प्रोहिबिट द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द डोमेसाइल एंड रेजिडेंस बट इट प्रोवाइड्स अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू द लोकल पीपल। वो ये कह रहा है आर्टिकल 16 रिजर्वेशन देके कि रेजिडेंस को, वहाँ के रहने वाले लोगों को रेजिडेंस देके, वो रिजर्वेशन देके डज नॉट प्रोहिबिट द रिजर्वेशन बेस्ड, बल्कि वो उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैसे दे रहा है कि 75% रिजर्वेशन हमने लोकल्स के लिए कर लिया, अरे 25% छोड़ा तो है, अभी जो 25% है वो आप सभी के लिए, बाहर से आ जाओ अगर आपको जॉब चाहिए तो। क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट का ये वेलफेयर करने का उनका हक है, उनका राइट है कि हम अपने लोगों का वेलफेयर करेंगे। तो इस टाइप से जो हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं वो वेलफेयर में जाएगा, यहाँ पे हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी पहले उनको दे रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, 25% आपके लिए रखा है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ऐसे केसों में रिजर्वेशन तो यहाँ पर भी दिया जाता है। रिजर्वेशन तो आप देखोगे, आप चाहे रिजर्वेशन आपने बढ़ाया है 50 से 75% बढ़ाया है, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? वीकेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन को, क्योंकि कास्ट सर्वे के बाद हमने ये देखा है कौन कितना पिछड़ा हुआ है, कौन किस कैटेगरी में और पिछड़ गया है, यही तो कास्ट सेंसस हुआ है। तो बस यहीं पे ये बोल रहा है कि रिजर्वेशन यहाँ पर भी हमने वीकेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन को दिया है सोसाइटी में आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आर्टिकल 14 खंडन कैसे हो सकता है? क्योंकि आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और राइट टू इक्वालिटी कब आती है? जब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, सबको अधिकार मिलते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे भी तो रिजर्वेशन भी तो वीकर ऑफ द वीकर सेक्शन को ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 14 का हनन नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि रिजर्वेशन दे के हमने इक्वालिटी का हनन करा है, इक्वालिटी लाने के लिए हम रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि अपहेल्ड द गोलकनाथ केस। आप सबको पता होगा गोलकनाथ केस 1967 का है, जिसमें कि बोला गया था कि DPSP 39B और 39C इज सुपीरियर टू आर्टिकल 14A-19, ठीक है। यहाँ पे बोला था कि आर्टिकल 39B और सी के तहत अगर कोई भी वेलफेयर वर्क करा जाता है, चाहे उससे आर्टिकल 19 और 14 का अगर हनन होता है, तो वो मान्य नहीं है, ठीक है। यहीं पर हमने रिजर्वेशन दे के आर्टिकल 39B और 39C को ऊपर रखा है। तो आर्टिकल 14 और 19 का अगर हनन हो भी रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया रिजर्वेशन जो हमने दिया है बिहार में, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू, अगर उसका नेगेटिव देखें तो वो पॉजिटिव ज़्यादा हमें दे रहा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। चलिए, ये बात तो ये होगी। दूसरी बात हम करते हैं, इस रिजर्वेशन से एडवांटेज क्या है बिहार के लिए और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हर पहलू के दो पन्ने होते हैं, ठीक है। चलिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सॉरी। तो इसका एडवांटेज ये है कि इट प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 50% से ज़्यादा, 75% को, तो ये सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, ठीक है। क्योंकि 75% में भी तो उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो पहले से वीक थे, बस उन्हीं का रिजर्वेशन तो बड़ा है, SC का, ST का, EB का, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकपैक क्लासेस का, इन सब का रिजर्वेशन बढ़ा है। इनको तो पहले ही मिल रहा था रिजर्वेशन, हमने बस उनका परसेंटेज बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इन सबको आगे आने का मौका मिलेगा और डेवलपमेंट होएगा। सेकंड, इट स्टॉप द माइग्रेशन। आप सबको पता होगा बिहार में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, लोग बिहार से बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं और काम करते हैं। अब जब काम उनको अपने ही राज्य में मिल जाएगा, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो बिहार में ही काम आएगा। बिहार में काम आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल, तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना आप हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, एडवांटेज ये है कि डिक्रीज द पॉवर्टी। सिंपल सी बात है, लोगों को नौकरी मिल गई, पैसा आ गया, तो गरीबी तो अपना भी घट जाएगी, ठीक है। ये हो गया एडवांटेज। रही बात डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज में क्या है? इट डिले द इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड लेस कैसे करेगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं MNCs, वो ऐसे राज्यों में जहाँ पे कि रिजर्वेशन ही है, 75% रिजर्वेशन दे दिया, वो अपनी फैक्ट्रियाँ, ठीक है, फैक्ट्री को यहाँ एस्टेब्लिश या फिर इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाती हैं। कि उनका ऐसा मानना है कि अगर हमें तो 75% लोगों को ही काम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मानो किसी राज्य में 100 लोग हैं तो 75% लोग को नौकरी यहीं मिलेगी, इन्हीं में से आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, हो सकता है हमें ऐसे स्किल लोग ना मिले, यहाँ पे कंपनी का मानना है स्किल ना मिले, जो काम हम करवाना चाहते हैं वो इन राज्य के लोगों में हुनर हो ही ना। तो ऐसी टाइप की जो कंपनियां हैं ऐसे राज्यों में जहाँ पे कि रिजर्वेशन का पुश करा जाता है रिजर्वेशन के लिए, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाने से हिचकिचाती हैं, इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाती हैं। तो उससे क्या हुआ, जब फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिले हो जाएगा और सोशल डेवलपमेंट भी डिले हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज है लेस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। सिंपल सी बात है, जब कंपनियां ही नहीं लगेंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ये होगी बात। दूसरा हम बात ये करते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो बहुत अच्छा है, ये पक्का सॉल्यूशन है किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी राज्य को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो और जॉब क्रिएशन ना हो रहा हो। लेकिन ये एक पैनल किया नहीं है किसी भी एविल का, कि ये ही नहीं है कि इसी से हमने रिजर्वेशन दे दिया
तो सारी की सारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो बोलते हैं सॉल्यूशन हो जाएगा कि सबको सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रिजर्वेशन से भी आगे बढ़ के हमें सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें स्किल देना चाहिए अपने लोगों को, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए जिससे कि वो नौकरी दे, ठीक है, एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको बताया है उसमें से आप पॉइंट लिख लेंगे, अगर पेपर में आता है तो आप उसको अच्छे से अटैम्प कर कराएंगे। चलिए, अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।